इस वाले क्वेश्चन को देखो प्यारे बच्चों, ये कब आया था? 2018 में ये भी आया था, और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, वाई डी एस सी का जो सेटअप है उस सेटअप में सेपरेशन बिटवीन द स्लिट डी है, ये जो है सेपरेशन डी की वैल्यू 2 मिलीमीटर दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है इतना, एंड द सेपरेशन कैपिटल डी की वैल्यू दिया हुआ है 100। अब यहाँ से तुम देखोगे इट इज फाइंड एंगुलर फ्रिंज विड्थ थीटा, थीटा की जो वैल्यू है 0.02 डिग्री है। टू इंक्रीज द एंगुलर फ्रिंज विड्थ मैं थीटा चेंज करना चाहता हूँ, कितना, 0.21 डिग्री करना चाहता हूँ विथ सेम लैम्डा एंड डी, मतलब लैम्डा और कैपिटल डी सेम रखा है। सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स नीड टू बी द चेंज, मतलब पहले अगर सेपरेशन डी था जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, डी की वैल्यू जो है वो 2 मिलीमीटर है, तो अब मैं डी को डी डैश करना चाहता हूँ तो कितना होगा? तो ये आसान सवाल है, आई होप कि आप पढ़े होगे। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो बी जो थीटा होता है दैट इज यहाँ से बीटा अपॉन कैपिटल डी होता है, बीटा की जो वैल्यू होती है वो लैम्डा कैपिटल डी स्मॉल डी और कैपिटल डी, तो यहाँ से लैम्डा अपॉन स्मॉल डी दैट इज थीटा। तो ये पहले पार्ट के लिए लगाओगे तो थीटा की वैल्यू 0.20, और यहाँ से लैम्डा जो यूज हो रहा था वो यहाँ पे दिया था लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, लैम्डा चेंज नहीं हुआ है, सेम लैम्डा है। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दूसरे में थीटा डैश हो गया तो 0.21 हो गया, दैट इज लैम्डा सेम रहा, डी डी डैश हो गया, दैट इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर टू। तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूँगा तो ये बाकी जो डेटा दिया हुआ था उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं ज़रूरत पड़ रही तो मैं नहीं यूज करूँगा भाई, क्यों यूज करूँगा, ठीक ना? तो यहाँ से जो अपनी जो डी डैश की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से देखो जो डी डैश की, यहाँ से अपनी जो डी डैश की वैल्यू आ जाएगी, डी डैश आ डी डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी डी, यहाँ से देख लो ना, डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो डी अपन डी दैट इज इक्वल टू यहाँ थीटा अपन थीटा डैश, ठीक है? तो डी डैश की जो वैल्यू आ जाएगी, थीटा कितना था 0.20, और यहाँ से डी डैश की 0.21, और यहाँ से मल्टीप्लाइड बाई डी दैट इज टू, तो यह आ जाएगा 0.40 और डिवाइडेड 0.21 दैट इज यहाँ से 40/21, 40/21 मतलब एक बार तो चला जाएगा 1.9 यहाँ से मिलीमीटर आ जाएगा। तो ये अपना जो बन जाता है दैट इज बी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक ना? तो थैंक यू।